हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को शेयर करूंगा, जो कि 2021 के एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ामों में आपसे किसी तरह की कोई खामियां ना रह जाए, कोई क्वेश्चन ना छूटे। मैंने इसके पिछले वीडियो में इसी सेट का 25 क्वेश्चन का सलूशन कर चुका हूं, और मैंने वीडियो लंबा होने के कारण उस वीडियो को 25 क्वेश्चन पे ही रोक दिया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन 26 से 50 तक के क्वेश्चन का सलूशन करूँगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, बड़ा ही अच्छा लगेगा और आगामी एग्ज़ाम की आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल्स मस्त क्लासेस पे आए हैं और अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, और बगल वाला जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए दोस्तों, आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। हो सके अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्सों, मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल से और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम BSEB बोर्ड या अदर भी बोर्डों में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काम करेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में भी बैठते हैं, रेलवे के एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन 26 में लिखा हुआ है, 25 तो बता चुका था, आ जाइए आपको 26 ले ही शुरू करता हूं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 में है, तब इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक आपको प्रमेय पढ़ना था, प्रमेय का नाम था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा 3:5 है, 3 का वर्ग और 5 के वर्ग के बराबर होगा तो 9/25 होगा। अब इसमें कहीं भी ऑप्शन में 9/25 नहीं है, तो एक जगह रूट में है। लेकिन देखिए, आइए दोस्तों, आइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन 1 देखिए, 81 रूट में लिखा है और बगल में रूट में 625 लिखा है, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और 625 का जो होगा 25 हो जाएगा। जो मैंने लाया था आंसर वो पहले ऑप्शन से मिल रहा है, इसलिए 26 का जो होगा एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग भी इसका आंसर बताते रहिए, ठीक है। आइए आप क्वेश्चन 27 देखिए, 27 में लिखा हुआ है, यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या के है तो उसका आयतन होगा। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे r ना दे के दिया है त्रिज्या, तो यहाँ पुट कर दीजिए ना, 2/3 π r के जगह पर k³, यानी कि आंसर जो होगा 2/3 πk³। इसलिए 27 का जो होगा सी सही है। आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है, कोई बिंदु P जो है y अक्ष से 5 इकाई दाई है और x अक्ष पर स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। देखिए, ये ग्राफ होता है जिसको y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं। कोई बिंदु P जो है y अक्ष से 5 इकाई दाई है, y अक्ष से 5 इकाई दाई, तो दाई इधर ना होगा,
तो इधर पाँच हो जाएगा, बाई बोलता तो इधर होता, तो एक्स में पाँच पर स्थित है, वाई में कहीं पे भी नहीं है, तो इसका जो निर्देशांक होगा 5.0 होगा, इसलिए पी का निर्देशांक जो होगा 28 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 cm, तो इसकी त्रिज्या होगी पहला ऑप्शन 14 cm, दूसरा ऑप्शन 7 cm, सी है 21 cm और डी है इनमें से कोई नहीं। आइए मैं इसका सोल्यूशन 29 का करके बताता हूँ। अर्धवृत्त का सूत्र जो होता है उसके अनुसार अर्धवृत्त के जो होता है परिमाप का वो होता है पाई आर प्लस 2r बराबर 36 दिया है, तो 22/7 r कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो पाई प्लस 2 बचेगा बराबर 36, तो r बराबर r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 36। एलसीएम लेंगे तो 22 + 7 × 14/7 = 36, तो उधर जाएगा तो 36 × 7 होगा, अब 22 और 14 मिलके भी 36 होगा, ये नीचे आ जाएगा कट जाएगा, तो आर कितना आ गया 7 आ गया, आर कितना आ गया 7 cm। तो हमको त्रिज्या ही पूछ रहा था, तो 29 के देखिए ना, बी ऑप्शन में लिखा है 7 cm, इसलिए 29 का जो होगा बी सही है। आइए अब दोस्तों 30 क्वेश्चन को आप लोग भी देखिए। दिया है कि बिंदु ए 2.-3 और बी 2.2 के बीच की दूरी क्या होगी। आइए इसको मैं दूरी निकाल के बताता हूँ। दूरी का जो सूत्र होता है √x2 − x1² प्लस y2 − y1² तो x2 जो है 2 है और ये x1 भी 2 है, दोनों का घटाव होगा 2 − 2² y2 − 3 है और y1 2 है तो 3 − 2² 2 2 तो ये कट के 0 हो गया, 0² 0, 3 2 5 −5 है, −5 का स्क्वायर 25 है, 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा जो आया 5 इकाई दूरी आया था, 30 का जो ऑप्शन डी सही है 5 इकाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। 31 क्वेश्चन देखिए, 31 में लिखा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के पूर्ण पृष्ठफल होगा जहाँ जो है त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई एच ऊंचाई हो, यहाँ पे एल छूट गया है, तो शंकु का जो होता है संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो इसका गुना करेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा प्लस पाई आर, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल किसी लंबवृत्तीय शंकु का है ना, यही सूत्र होता है पाई आर एल प्लस पाई आर, कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जहाँ आर त्रिज्या और एल तिरियक ऊंचाई और एच ऊंचाई हो, क्वेश्चन सी रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग हटा दीजिए, ऑप्शन भी अलग अलग दिया हुआ है ना, यहाँ कुछ पूछ रहा है और कुछ पूछ बता रहा है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा है ना, क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ डी थोड़ा सा मिलता जुलता देखिए, नहीं नहीं सही है ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, मैंने देख नहीं पाया, इसलिए 31 का जो होगा ए सही है, क्वेश्चन भी सही है। अब देखिए 32 क्वेश्चन जो है आपके सामने, बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, बाह्यता स्पर्श कर रहा है, आइए इसको मैं फिगर से बता रहा हूँ, एक वृत्त हो गया और एक वृत्त हो गया, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछ रहा है, तो देखिए एक हो गया एक, ये हो गया 2 और एक मैं इधर से गुजार दिया, तो बाह्यता ये स्पर्श कर रहा है लेकिन फिर भी इससे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है कितने गुजरे 3 गुजरे है ना, इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा सी सही है, 32 का सी सही है। ठीक है, आइए 33 क्वेश्चन देखिए, 33 में लिखा है 2 sin 38/cos 52, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, पहले इन दोनों को जोड़ ले, ऊपर उल्टा उल्टा हो तो 38 और 52 जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है, तो 2 × अब इन दोनों के बदले में 1 होता है तो 1, तो 2 में 1 से हुआ तो 2, उसे 33 का करेक्ट आंसर ए सही है, जोड़ने पे अगर 90 हो रहा है तो उसका बटा में है एक ही आंसर होता है, इसलिए यही सही होगा। 34 देखिए, √2cos θ = 1 हो तो थीटा का मान होगा, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, तो 1/√2 जो होता है 45 का मान होता है, cos 45, cos ले cos कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, इसलिए हमारा जो होगा 34 का बी सही है। ठीक है, आइए आगे अब आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाते हैं 35।
देखिए लिखा है यदि टेन थीटा बार उठती है तो थीटा का मान होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइए थोड़ा सा सोल्यूशन भी करके बता देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू टेन साठ, क्योंकि टेन साठ का मान रूट तीन होता है ना, तो टेन से टेन कैंसिल तो थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है साठ, और हमारे जो ऑप्शन है डी में साठ लिखा हुआ है, इसलिए पैंतीस का जो होगा डी सही है। ठीक है, आइए छत्तीस क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। कॉस साठ प्लस वन बटा में कॉस साठ माइनस वन का निम्नलिखित में कौन सा मान होगा, तो कॉस साठ का जो मान होता है वन बाई टू होता है, तो यहाँ पुट कर दिया वन बाई टू, फिर बगल में प्लस वन है प्लस वन लिख लिया, फिर है कॉस साठ उसका मान होता है वन बाई टू, यहाँ पर पुट कर लिया वन बाई टू माइनस वन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो टू वन जा टू और एक मिल के थ्री बाई टू, और यहाँ लेंगे टू एक घट गया तो माइनस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट तो कितना आया माइनस थ्री। ठीक है ना, तो इसलिए छत्तीस का जो होगा बी ऑप्शन सही है माइनस थ्री। सैंतीस क्वेश्चन देखिए, लिखा है टेन साठ का मान क्या होगा, टेन साठ, अभी मैंने जब इसका पैंतीस क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा था उसमें टेन साठ का मान आया है, जिसको मैंने बताया रूट तीन होता है, आप लोग भी आंसर इसका जानते ही होंगे, इसलिए टेन साठ का होगा रूट तीन, सैंतीस का एक करेक्ट सही है ना। आप लोग का भी कमेंट आ रहा है ए ऑप्शन सैंतीस का है, बहुत सारे स्टूडेंट सैंतीस का ए कह रहे हैं और मैं आपके आंसर से सहमत हूँ, शुक्रिया इसके लिए, आप लोग इसी तरह से मेहनत करें आपको ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी सफलता कदमों को चूमेगी, इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए और मैं आपको हरदम सपोर्ट करूँगा और इसी तरह से बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, और आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आपकी यही सब हमारी हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है ना, और भी स्टूडेंटों को इस वीडियो से जोड़िए जोड़िए जितना हो सके जोड़िए, फटाफट कीजिए सब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन अठारह कॉस बहत्तर, साइन और कॉस एक दूसरे के नब्बे में मान उल्टा चलता है, ये आ गया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि दोनों को जोड़ लो, अगर बाटा में हो तो उसका आंसर एक मार दो, एक होता ही आंसर है ना, बहत्तर अट्ठासी या दस नब्बे जोड़ने पे नब्बे आ जा रहा है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी सही होगा, एक ही आंसर होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने बना लिए। अब आइए उनचालीस देखिए, उनचालीस में लिखा हुआ है साइन ए बराबर तीन बटा चार, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, तीन बटा चार, तो इसका होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण हो गया, यानी कि हमें अभी आधार निकालना होगा, आधार तो ना दिया है ना, तो आधार निकालते हैं, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है चार, तो चार का स्क्वायर मैंने कर लिया, लंब है तीन, चार का स्क्वायर सोलह, तीन का नौ, तो आ गया रूट सात, कितना आया रूट सात, तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और अभी हमने बनाया तो आधार कितना आया रूट सात, उठ कर दिया, और कर्ण कितना है चार, चार हो गया, इसलिए उनचालीस का जो होगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब देखिए चालीस क्वेश्चन, चालीस है टेन ए बराबर होता है पहला ऑप्शन कोट नब्बे माइनस ए, दूसरा सेक नब्बे माइनस ए, तीसरा कोसेक नब्बे माइनस ए, और डी है कॉस नब्बे माइनस ए, तो टेन थीटा बराबर होता है कोट नब्बे माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट नब्बे माइनस थीटा, इसलिए चालीस का जो होगा करेक्ट आंसर ए है। आप लोग का भी ये आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ए दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग थैंक्स बाद के पात्र हैं। आगे देखिए इकतालीस क्वेश्चन, ये सब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ना, आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो ज़रूर फटाफट आंसर देंगे। लिखा है इकतालीस क्वेश्चन, आठ सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस आठ टेन स्क्वायर थीटा बराबर है पहला सोलह दूसरा नौ सी आठ डी जीरो, तो देखिए इन दोनों में आठ आठ कॉमन है, आठ को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो आठ इंटू वन तो हो गया आठ। ठीक है ना, इसलिए इकतालीस का जो होगा करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। बयालीस लिखा है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर ए दूसरा कॉसेक स्क्वायर ए
सी है कॉट स्क्वायर ए और डी है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे सूत्र होता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर ए, लिख लिया। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन बटा साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन बटा कॉस स्क्वायर ए। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ऊपर और नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए, और कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। मैंने इसी में आपका सोल्यूशन कर दिया, क्या आया कॉट स्क्वायर ए। इसलिए 42 का जो करेक्ट आंसर होगा सी करेक्ट है कॉट स्क्वायर ए। आइए 43 क्वेश्चन डायरेक्ट सूत्र से है, निम्नलिखित में टेन साठ का मान कौन सा होगा। टेन साठ, ये तो दो बार क्वेश्चन आ गया अभी अभी इस सेट में दो बार, आप लोग भी करेक्ट आंसर बताइए। 43 का बी होगा, टेन साठ का रूट तीन होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 44 देखिए, लिखा है बहुलक होगा, बहुलक, बहुलक में होता है किसी दिए हुए चर मानों में जो अधिकतम बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए तीन जो है तीन बार आया हुआ है, तीन कितना बार आया है तीन बार आया है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा तीन होगा, यानी 44 का जो होगा डी सही है। ठीक है, आइए 45 क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, पहला माइनस पाँच, दूसरा जीरो, सी एक और डी है 0.9। तो आप लोग प्रायिकता पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, तो उसमें बताया होगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान शून्य होता है और प्रायिकता का अधिकतम मान वन होता है, यानी प्रायिकता ना तो एक से बड़ी होती है और ना ही प्रायिकता एक से छोटी होती है, यानी प्रायिकता का मान नेगेटिव भी नहीं होता है। अब इस ऑप्शन में थोड़ा गौर से देखिए कि प्रायिकता का मान एक जगह नेगेटिव में आया है, बाकी सारे मान प्रायिकता के मानों को संतुष्ट करते हैं, यानी जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या जीरो एक का बीच का भी हो सकता है, इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये माइनस में आया है ना, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, 45 का ए सही है। अब देखिए 46 क्वेश्चन, फिर बहुलक पूछ रहा है, जो कि पीछे मैंने इसका थ्योरी रिपीट किया कि बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो देखिए इसमें 2, 3, 0, 3, 2, 6, तो 2 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है, तो बहुलक मतलब बहुत बार आया हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा दो दो आंसर सही है, 2 भी सही है 3 भी सही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूजिंग के लिए दे देते हैं, तो आप 2 भी मारते हैं तो भी सही है या 3 भी मारते हैं तो भी सही है, यानी इसका आंसर 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। अब 47 देखिए, फिर दिया है 47 क्वेश्चन में, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, पहला 0, दूसरा 1, सी है 0.2, डी है -1। तो अभी मैंने फिर पीछे के वीडियोस में रिपीट किया, प्रायिकता का मान शून्य होता है न्यूनतम में और अधिकतम एक होता है, और प्रायिकता ना तो नेगेटिव में होती है और ना ही प्रायिकता एक से ज़्यादा होती है। तो इस ऑप्शन में देखिए 0 मिनिमम मान सही है, 1 भी सही है, 0.2 भी सही है, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है डी उसमें नेगेटिव में लिखा हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। 47 का जो होगा डी सही है। 48 क्वेश्चंस, लिखा है 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक होगा, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया हो, तो 3 देखिए 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है, तो बहुलक जो हमारा होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस भुलवाने के लिए देता है, या तो 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, इसलिए 48 में ए भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है। ठीक है, अब 49 देखिए, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की मादिका होगा, मादिका यानी कि बीच वाला मान। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, यानी टोटल हमारे पास 7 अंक है ना, कितने अंक है 7 अंक, मादिका मतलब बीच में, तो 3 को हेने से किनारे कर लिए, 3 को हेने से किनारे कर लिए, अब बीच में क्या पड़ गया 4, बीच में क्या पड़ गया 4, अतः जमन बीचा में है वही तो मादिका है, इसलिए 49 का जो होगा सी सही है ना, 49 का सी 4।
अब देखिए 50 जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। शुरू के पांच को पूर्ण संख्या लिखना है, तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, जीरो माध्य में सबके जोड़ा जाला, तो एक प्लस दू प्लस तीन प्लस चार, ये शुरुआती हमारी पांच पूर्ण संख्याएं होगी। कै गो है? पांच गो, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच से में भाग हो जय गो रहता है उसी से भाग कर देते हैं, चार तीन सात दोनों व एक दस बटा में पाँच, जब भाग लगाए तो आ गया दो, यानी कि प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का जो माध होगा क्या होगा, दो होगा, और 50 के बी ऑप्शन में दो लिखा हुआ है, इसलिए 50 का बी सही है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जो आप लोग को 26 से लेकर 50 तक का वीडियो का सलूशन किया वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो हमारे लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जो ऑल वाला नोटिफिकेशन होता है उसको क्लिक करें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।